अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के कथित घुसपैठ और वहां कुछ निशान लगाने की खबरें हाल ही में सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में जमकर वायरल हो रही। इस मुद्दे पर उठे विवाद और भ्रम को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने न केवल स्थिति की पूरी जानकारी दी बल्कि चीन के प्रति भारत सरकार की नीति और रणनीति को भी स्पष्ट रूप से समझाया। दरअसल उन्होंने कहा, हम सभी स्थिति जानते हैं, भारत सरकार, हमारा रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय बातचीत में लगे हुए हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट है कि चीनी सेना या चीनी बलों को उनके नियंत्रण रेखा के बाहर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुल क्षेत्रफल अनिर्धारित है, शुरू से ही सीमाओं का सीमांकन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारी भारतीय सेनाएं और चीनी सेनाएं एक दूसरे के नियंत्रित क्षेत्र में आती जाती रहती हैं। दुर्गम और अनिर्धारित इलाके के कारण कभी कभी गश्त करने वाली पार्टी ऐसे क्षेत्र में चली जाती है जो निर्धारित नहीं किए गए हैं। वे निशान लगाने की कोशिश करते हैं, जमीन पर कुछ तरह की चीजें भी डालते हैं। जब से हमारी सरकार आई, चीन को हमारी नियंत्रण रेखा के अंदर कोई स्थायी संरचना स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई और न ही दी जाएगी। हम अपनी जमीन किसी भी दूसरे देश को नहीं हड़पने देंगे, चाहे वो चीन हो या कोई और देश। अनिर्धारित इलाके में निशान लगाने का मतलब ये नहीं कि उस इलाके में अतिक्रमण हो गया है। तो ये पूरा बयान था भारत का। बता दें कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है और वहां पर कुछ निशान लगाए हैं। ये दावा सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में तेजी से फैला, जिससे लोगों में चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। इस स्थिति को लेकर जब मीडिया में चर्चा गर्म होने लगी, तब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपना बयान दिया। खैर, अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के दावों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान स्पष्ट करता है कि भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा का कुछ हिस्सा अनिर्धारित है, जिससे भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच ओवरलैपिंग की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन इसे अतिक्रमण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। खैर, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से ये बयान आया वो चीन के लिए एक चेतावनी है कि अगर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करोगे तो हाल बेहाल होने से कोई नहीं बचा सकता। आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से किरेन रिजिजू ने बयान दिया, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।